मेरा अंदाज जिसको मैं हार्ट से सजाता हूं। Thank you.
और लास्य दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हो सकते हैं, सिर्फ तांडव से भी नहीं और सिर्फ लास्य से भी नहीं, दोनों के मिलाप से कथक की खूबसूरती बढ़ती है। और यही हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि खोजना कि कहाँ तांडव कहाँ लास्य को रखना। आमद, आगे बढ़ते हैं आमद की ओर। पहली आमद जो मैंने अपने गुरु से सीखी थी वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मेरी बहुत प्रिय है। Hey, 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 hey
कामत। जब इसकी रचना हुई तो कहीं एक चित्र भी बना नजर के सामने, एक बड़े से सागर में छोटी सी नैया अपनी मस्ती में जा रही है। वो दिल के पास ही रहती है और उसको करने का एक अलग ही मजा होता है। वैसे ही हमारी गुरु पद्मभूषण कुमुदिनी जी का एक की बनाई आमद, जो मैं कई सालों से अभी भी करता हूं, मेरे बहुत करीब है। Hey, 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 hey
आमद कर रहा हूँ। आमद से उठान की ओर का रास्ता, आमद से उठान। Take it, 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 take it
मिश्र जाति में एक परनामर कथक केंद्र में मेरे बहुत सारे पुराने साथी, शायद सभी गुरुजन मेरे साथी रहे हैं, हम सफर रहे हैं। सुभाष जी, मोहनराव कल्याणपुर जी के शिष्य, आज उनको याद करके एक परनामद जो उनसे सीखी थी हमने अहमदाबाद में एक बार, उनकी काफी सालों पहले शिविर रखी थी हमारे गुरु ने, करीबन एक महीने का शिविर था। मोहनराव जी अहमदाबाद रहे थे और वहां पर ये परन हमने सीखी थी। सुभाष जी, आपको याद करके, आप भी तो करते ही है ये शायद। Thank you.
अपग्रेडेशन हो रहा है, विलंबित से आगे बढ़ रहे। एक पैरों का काम जिसको कहते हैं लय मलय, लय मलय। पवन, समीर, अनिल, पवन के विधविध स्वरूप। पवन कैसे बहता है? सननननननननन। पवन की चाल का अगर हम कोई शब्द से, कोई साउंड से अगर हम उसका वर्णन करें तो सननननननननन। तो पहली सुंदर सननननन धीना, सननननन धीना, सननननन धीना, धीन धीन। इससे थोड़ा सा तेज सनननाधि, सनननाधि, सनननाधीना, दी दीना। और तेज भर रहे सनन 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 धा धा दीन दीन धा। अब आंधी आ रही है सनन 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 धा धा दीन धा। सनन के पर और पैर जाएंगे सनन सनन, और इनको भी थोड़ी सी तो परीक्षा देनी होगी सनन सनन, ये भी करेंगे। हाँ?
हाँ, आप लोगों की वजह से ही मैं इतना आनंद ले सका हूँ। अच्छा, वही तो अभी बहुत देर होगी, लोग तो राह देखकर शायद सो गए होंगे। देख रहे हैं? अरे बाबा, सबको लाइव देखने वाले सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। इतनी रात को भी आप लोग मेरे से जुड़े हैं, बहुत बहुत सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मध्य लय से आगे थोड़ी चढ़ती मध्य लय से कृतक थुन थुन के बोल है, बड़े कथक के प्रख्यात बोल है, उसकी एक मेरी सी एक मेरी बनाई हुई एक रचना, भिन भिन्न थुन 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 की एक मजा ना। हमेशा प्रयत्न ये भी रहता है, जब मैं और इशिरा जी जो कई सालों से हमारी पार्टनर तो कह सकते हैं, हमारी अर्धांगिनी भी है वो, और हम मिलकर कई चीजें ऐसे ही बनाते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं, मशवरा कैसी लगी आपको, आपको कैसी लगी, और उसमें से कुछ बनता है। ये एक चीज है जो मेरी बहुत पसंदीदा है कीर्तक तुन तुन की। तिन तिन ना धिन धिन ना ना धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना ना धिन ना धिन धिन ना वाले चार जैसे मेरे बेटे हैं, बड़ी यंग टीम है मेरी, सभी बड़े डेडिकेटेड है और बड़े दिल से चाव से बजाते हैं, सीखते हैं, लगे रहते हैं। तो इनके साथ मैं भी जवान हो चलता हूँ, बड़े इंस्पायर करते हैं मुझे, नहीं नहीं आपको ये करना ही है, आपको ये करना ही है। तो ये मेरे चार बेटे हैं और बहुत प्यारे भी हैं,
आप इनको प्लीज इनके डेडिकेशन के लिए आज के जमाने में हमारे गुजरात में बनिए नहीं देखने वाले कम मिलते उसमें से ये कुछ लोग हैं। अच्छा, मैं अब कुछ तिहाई करने वाला हूँ, पर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तिहाई करूँगा अभी कुछ, तो ये लोगों ने कहा कि नहीं हमें भी तो तिहाइयाँ करनी है, तो इन दोनों को तिहाइयों में थोड़ी सी कुछ नोकझोंक करनी है, देखते हैं क्या करते हैं। माँ को मनाना है बेटे को, उसको थोड़ी सी रिश्वत देती है, प्रयत्न करती है, धिन्ना ना धिन्ना कहती है कि मैं तेरे को, तू एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दे, बाजू पे रख दे, मैं तेरे को 5 चॉकलेट दूंगी। बोलता है ना, नहीं नहीं मैं तेरे को 5 लड्डू भी दूंगी साथ में। बोलते है कुल, कहता है ना, अरे बस 6 लड्डू दूंगी। बोलती है नहीं, बोलती है कि चलो मैं तुमको 7 आइसक्रीम भी दूंगी। तो बेटा कहता है नहीं, मुझे तो 5 चॉकलेट, 6 लड्डू और 7 आइसक्रीम सभी चाहिए। सभी चाहिए मुझे। I'm gonna take it to
ताल समुच्चय, तीन ताल, धमार, झपताल, रूपक, दादरा। तीन ताल, धमार, झपताल, रूपक, दादरा। दिन दिन ना, दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ता ता ता, कदी 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 ता, कदी ना दिन ना, ता 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 ता, दिन ना दिन ना, दिन ना दिन ना, ता ता, दिन ना दिन ना, दिन ना ता ता ता, तातु ना तातु ना, ता ता ता, तातु ना तातु ना, ता ता ता, तातु ना तातु ना, ता ता ता, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ता ता ता, कदी 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 ता, कदी ना दिन ना, ता ता ता, दिन ना दिन ना, दिन ना दिन ना, ता ता, कदी दिन ना दिन ना, ता ता, दिन ना दिन ना, ता ता, कदी दिन ना दिन ना, अभी हम आनंद उठा रहे थे थाट, उठान, आमद, परन आदि का। अब बढ़ते हैं प्रस्तुति के अंतिम चरण की तरफ। पद मरोर डारी बैया। कृष्ण की छेड़छाड़ से व्यथित होते हुए भी हर्षित भाव से रंगी हुई राधा की मीठी शिकायतों को बताती ये रचना। इस पद के रचयिता हैं गुजरात के स्वामी नारायण संप्रदाय भक्त कवि श्री प्रेमानंद, और इसे स्वरबद्ध किया है विद्वान संगीतज्ञ श्री अतुल देसाई ने। आइए आनंद उठाते हैं पद मरोर डारी बैया। आ
बटवारे रे मरोर डारी बैया पीत पटवारे रे मरोर डारी बैया पीत पटवारे रे मरोर डारी बैया पीत पटवारे रे मरोर डारी बैया बैया मरोरे मोरी चुड़िया फोरी बैया मरोरी मोरी चुड़िया फोरी पीत पटवारे रे मरोर डारी बैया पीत पटवारे मरोर डारी बैया पीत
मनोहर नंद जी को सुत सो कुंवर कन्हैया नंद जी को सुत